जय माता जी। वेलकम टू बस परिवार कैंप चिटकुल, इंडिया लास्ट विलेज। एल्टीट्यूड 11,320 फीट ऊपर है ये, और ये रहा रिवर, बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो पूरा साफ पानी है। और ये शायद कैंपिंग का स्पॉट है, उधर है इंडिया का लास्ट विलेज। और ये जो लैंडस्केप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है। तो आप एक ही काम कर सकते हैं यहाँ से, वो है ड्रोन शॉट। तो चलो यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं और आप लोग ड्रोन शॉट एंजॉय करो। तो यहाँ से चलते हैं गाइस चिटकुल के आखिरी ढाबा, और इंडिया का लास्ट ढाबा बोल सकते हो। तो वहाँ पर चल के थोड़ा देखते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, और अगर भीड़ नहीं हुआ तो खाना भी खा लेंगे, नहीं तो निकल जाऊँगा मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, बहुत ही कम है अभी। लगभग यहाँ पर 12:30 बज चुका है, तो नीचे जैसे भी करके मुझे 3 बजे तक पहुँचना है। और चिटकुल का व्यू बहुत ही मस्त है। यहाँ पर मैंने ड्रोन फ्लाई किया, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं लेके गया, क्योंकि ये पूरा मिलिट्री जोन है। तो अब मिलिट्री जोन पे ज़्यादा ये सब करना सही नहीं रहता है, तो अपने देश का सिक्योरिटी अपने ऊपर ही होता है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फ्लाई नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा रिवर और थोड़ा सा गाँव का थोड़ा सा पार्ट मैंने लेने की कोशिश की। तो अभी वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा धूल है भाई, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा धूल है। ओ हाथ में क्या ही ठंड लग रहा है मेरे को, ग्लव्स उतर दिया तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है हाथ में। तो यहाँ पर होमस्टे वगैरह का भी अवेलेबल है इजीली, तो आप लोग अगर किसी को रहना है चिटकुल में तो रह सकते हो। बाकी अगर लेट हो जाए तो रहना सही होता है, या तो चिटकुल का अगर लास्ट विलेज का एक्सपीरियंस लेना है नाइट का, तो आप लोग रह सकते हो, बहुत सारा होमस्टे आगे मिल जाएगा। तो मुझे तो पहले देखना है इंडिया का अंतिम ढाबा कैसा लगता है देखने में। तो गाइस ये एक छोटा सा ब्रिज है नीचे, और बहुत ही प्यारा व्यू है, देख सकते हो बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ से। तो चलो तो ये है चिटकुल गांव, बहुत ही छोटा सा एक गांव है। एक बार पूछ लेते हैं, बोल रहे कि यहाँ पर एक लास्ट ढाबा है ना ऐसा। हाँ 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 आगे है ये, यही रोड में। ओके ओके ठीक है तो फाइनल डेस्टिनेशन इससे थोड़ा सा आगे है, और गंधे
यहाँ का गाय दूसरे प्रजाति का है, मतलब दूसरे ब्रीड का है। अरे भाई क्या ही ठंड लग रहा है। पश्मीना बकरी का छोटा छोटा बेबी, और यहाँ पर टॉयलेट भी बना हुआ है। आने का टाइम मुझे जाना भी है। वेस्ट बंगाल से इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल आने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। वो अलग बात है कि मैं अभी देहरादून से आ रहा हूँ, बट वेस्ट बंगाल से भी मैं देहरादून सोलो ही आया हूँ, और वहाँ से देहरादून से चिटकुल का रास्ता भी सोलो आ रहा हूँ। दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है मेरे को, सच बताओ तो। इतना दूर से यहाँ पर आके ये जो व्यू है इसको देख के, ओहो क्या ही लग रहा है भाई। स्नो कवर्ड माउंट्स, और इसका ठीक पीछे ही तिब्बत है जो चाइना ने पूरा एकदम कब्जा करके रखा है। फाइनल डेस्टिनेशन शायद मुझे दिख रहा है वो रेड वाला, मे बी रेड वाला से थोड़ा सा आगे या तो रेडी वाला होगा। लास्ट धावा, पूरा बंजर एरिया है ये वाला, पूरा देख सकते हो। हरियाली है ही नहीं, हरियाली होगा कैसे, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर। ओ भाई खतरनाक ऑफ रोड है। वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है क्या? आई थिंक इससे आगे वहाँ पर आर्मी बेस कैंप तो नहीं है ना। सो गाइस आखिरी दवा तो शायद पीछे छूट गया होगा कहीं पर, तो पीछे जाते टाइम देख लेंगे। और आगे शायद आर्मी कैंप ही लग रहा है और आर्मी बेस कैंप ही लग रहा है, तो इससे आगे मैं जाऊंगा नहीं। तो ये है लास्ट पॉइंट, देख सकते हो इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो चिटकुल का लास्ट पॉइंट ये है, और पूरा स्नो माउंटेन से घिरा हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं रिटर्न, और देखते हैं हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा कौन सा ढाबा है जो मुझे नहीं दिखाई दिया। एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ ये इंडियन आर्मी का बेस कैंप है कि नहीं, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। ये जो छत है वो ग्रीन कलर का है, तो आर्मी बेस कैंप बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। फुटप्रिंट, ओनली मेमोरीज लीव ओनली फुटप्रिंट। ओ भाई क्या लिखा है, आई थिंक आगे जा सकते हैं। ओ भाई एक्चुअली मुझे जितना लग रहा है ये बासपा नदी है, तो ये बासपा रिवर ही होगा। कहीं कहीं पर मैं शायद सतलुज बोल दिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। इसमें ये जो नीचे नीचे प्लेस देख रहे हो, इसमें आप कैंपिंग कर सकते हो। उधर भी देख सकते हो दो तीन कैंप लगा हुआ है। बाकी एक बार मैं पूछ सकता था, इंडिया का लास्ट धावा या पुराना धावा सबसे कौन सा है। जय हिंद सर। ओह दिल से खुशी आ रहा है भाई, अंदर से पूरा गुजबम्स आ रहा है मेरे को ये सब फील करते हुए। एक बार चलो पूछ लेते हैं। आंटी यहाँ पर एक आखिरी धाबा है ना, आखिरी धाबा, धाबा आखिरी धाबा खाना पीने खाने के लिए। अच्छा निकल दिया, वही लास्ट था ना, ये जो लाल वाला था ना। हाँ आज निकल दिया पर। वही पर बहुत पुराना था ना वो, ये जो लाल लाल। हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 फटा दिया।
कोई जाता तो नहीं है, उठा दिया। तो पहले बोला वहाँ ऊपर नहीं मिलना चाहिए, मैंने वहाँ ले जाना था आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, पटा रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, और वहाँ गेस्ट हाउस है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, या उसमें जाना, क्या नाम, मंजरा में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सो गाइस, आखिरी दावा जो है वो इधर कहीं पर कर दिया है, वो वाला जो है वो वहाँ से मतलब उठा दिया है, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता भी नहीं था उतना, तो इसीलिए मैं भी इधर ही कहीं पर दावा कर दिया है। तो अब क्या करना है, अब निकलते हैं यहाँ से। और दावा तो दिखा नहीं, कोई बात नहीं, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो दूसरा कोई बन जाएगा। यहाँ पर ओयो में भी मिल जाएगा आप लोगों को रूम अवेलेबल। तो हेलो डोंकी मैं, तो चिटकुल को बाय बाय करते हैं, इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी। और नेक्स्ट टाइम प्रीटी सियोर की ग्रुप में आएंगे और मचाएंगे। तो चलो अब यहाँ से टाटा बाय बाय करते हैं। मैं यहीं पर कहीं पर देखा था भाई धावा को, आई डोंट नो क्या है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से चिटकुल से। और ये सब कैंपिंग नया बन रहा है, कैंप बोलो या होम स्टे बोलो, इस टाइप का बन रहा है नया। भाई ये क्या है, ये बछड़ा है क्या? बहुत ही ज़्यादा क्यूट है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। आप लोग सोचते हो कि पहाड़ में अगर चढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, महंगा क्यों लेता है, नीचे तो मैगी 10 रुपये में मिलते, ऊपर क्यों 50-50, 100-100 मिलता है। तो रीज़न यही है बॉस, आओ कभी तो समझ में आ जाएगा कि नीचे से ऊपर सामान लेके आना, फिर इतना मेहनत और फ्यूल वगैरह इतना जलाना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर रहना। और अभी तो चलो बर्फ़ भी अभी नहीं गिरा है, बर्फ़ अगर गिर जाएगा ना दिसंबर में तो पूरा हालत ही ख़राब हो जाता है यहाँ का। यहाँ का तो 2-3 महीने तक एकदम क्या बोलूँ, खाने के लिए सिर्फ वही है, बस अपने पालतू जानवर को खाता है ये लोग, वही सब चलता है। अगर बहुत ज़्यादा 4-5 फीट तक बर्फ़ गिर जाए तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो निकल नहीं सकते हैं, ऐसा करके ही चलता है लाइफ इन सब का। सो गाइस, यहाँ से सांगला है 21 किलोमीटर, और यहाँ से सांगला का जो डिस्टेंस है वो सेम है, सेम रोड है। तो एक बार आपको लास्ट चितकुल का पीछे वाला जो व्यू है दिखा के सीधा मैं मिलता हूँ सांगला के मेन जो कल्पा वाला हाईवे है उसको पकड़ने के बाद। तो ये रहा लास्ट व्यू, अब मिलते हैं सीधा सांगला के बाद।